जयराम जी की भैया हरो, जय जय बुंदेलखंड। हर भांत की तरह इस साल भी हम लोग 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आपका खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने जा रहे हैं। बस थोड़ा बदलाव हो गया है इसमें, क्योंकि ये आपातकाल की स्थिति है, कोविड हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की गंभीरता से उसको सोचना है, समझना है। इसलिए हम 30% मात्र 30% जो मनोरंजन का कार्यक्रम है वो हम वर्चुअल जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, बाकी 70% हम 10-11 टपरा टॉकीज लगा रहे हैं, मोबाइल वैन लगा रहे हैं, उनसे आप देखियो। वर्चुअल को मतलब भी हमें आपको बता दें, एक सैटेलाइट चैनल Sky 9 पे ये दिखाई दिए आपको, आपको इको ऐप डाउनलोड करने हैं, मुफ्त में हैं, तो वो जो प्रोग्राम आप देखने के लिए शाम को दिन डूबे आ जाते हैं ना मैदान में 7 बजे से, वो आप घर बैठ के आराम से देखियो VI करके, और पूरे 10 बजे 11 बजे तक देखियो। इस बार हम आपको ग्राउंड पे नहीं बुला पाए, मैं मजबूरी है, सरकार का आदेश है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, चूँकि वो प्रोग्राम 100-200 के लोगों का नहीं है। हम बुलाएंगे भी तो आप 100-200 नहीं, हज़ारों में आओ, आपको प्यार हमें पतो है, तो बस इस विनती को स्वीकारो, घर बैठ के खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मजे लो। 7 से 10 बजे तक Sky 9 चैनल को आप डाउनलोड करो और लाइव प्रोग्राम देखो, बॉम्बे से कलाकारों को देखो, सिनेमा के लोगों को देखो, सब लोगों को देखो। एक और चीज़, इस बीमारी से बचने के लिए कुछ आपको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मास्क लगाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज़र या साबुन से धोएं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 3 मीटर की दूरी ज़रूरी, अगर जान है तो जहान है, जब सोच लो, और वह मैं बुंदेलखंड भी बनाऊँ नहीं, सो ये तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, और 17 तारीख से खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के मजे लो। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।